क्या कहता है ये थ्योरम? हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर लिखी है, ये थ्योरम कहता है द पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर। तो देखो ये थ्योरम को प्रूव करना है, मतलब क्या प्रूव करना है, हमें क्या दिया है, हमें दी है दो पैरेलल लाइंस, तो आपको प्रूव करना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये इक्वल इन मेजर्स रहेंगे, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट रहने चाहिए। ठीक है, तो देखो हमारे पास गिवन है लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एन इज ट्रांसवर्सल। एंगल ए एंड एंगल बी फॉर्म्स पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इस प्रकार की हमारी डायग्राम रहेगी। ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, एक दूसरे को पैरेलल है, और ये लाइन एन ये ट्रांसवर्सल है। ये एंगल ए और एंगल बी ये करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर है, ये कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है, ये हमें मेजर करना है। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम? सो हम देखो हम एक काम करते हैं, और एक एंगल लेते हैं एक्स, वो यार ए इंटीरियर एक्स और ए इंटीरियर नहीं हो गए मैडम? यस सर, एंगल्स ओके, तो क्या करोगे लीनियर आप? एंगल ए प्लस एंगल एक्स इक्वल टू इक्वल टू 180 एंगल्स क्यू इन लीनियर लीनियर पे। दूसरा क्या लिखोगे आप? एंगल एक्स प्लस एंगल बी इक्वल एंगल टू वन एक्स प्लस एटी एंगल पी इक्वल टू वन एंगल प्लस बी प्लस एंगल एंगल एक्स एक्स इक्वल टू 180 क्यू इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स इंटीरियर एंगल पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। किसके लिए है ये? फॉर लाइन एल पैरेलल टू एम एंड एन ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? RHS सेम है, मतलब LHS सेम होगी। एंगल ए प्लस एंगल एक्स इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल एक्स। एंगल एक्स चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या एंगल ए इक्वल टू एंगल बी यही प्रूव करना था? यस यस सर सर यस क्या डिफिकल्ट है प्रूफ? नो सर नो बहुत सर डिफिकल्ट है सर, हमें तो समझा ही नहीं है। सर समझा ना समझ गया क्या? इजी है सर सर चलो, तो ऐसा दूसरा फिर। हाँ बोलो। हे जर सपोज टेस्ट पेपर असा येऊ शकते का की याला प्रूफ करा म्हणून बिल्कुल आ करस्पॉन्डिंग सकता है, आ ही सकता है ना, ये क्यों नहीं आएगा? अच्छा प्रूफ है।
पूछ सकते हैं ऐसा। जाए आगे, समझ गया सर। 2 मिनट। यस सर। क्या ऐसे ही इंटीरियर एंगल्स के लिए भी कर सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। इंटीरियर एंगल में क्या करना पड़ेगा सर? अपन अल्टरनेट एंगल। ओके सॉरी, इंटीरियर नहीं, अल्टरनेट एंगल्स के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ सर, क्योंकि इंटीरियर पढ़ लिया है। इंटीरियर ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। इंटीरियर का ही प्रूफ थोड़ा लंबा चौड़ा है। करेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम तो आसान है, अल्टरनेट एंगल थ्योरम अभी लिखते हैं। जाए आगे। यस सर। यस सर। चलो अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम क्या कहता है ये? लास्ट स्लाइड। ये कहेगा द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर। अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर्स। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रूव। आपको ऐसा कहेंगे प्रूव अल्टरनेट एंगल थ्योरम, सो आपको थ्योरम याद रखना पड़ेगा कि थ्योरम क्या है। सो थ्योरम कहता है अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है एक दूसरे को और कोई अगर एक ट्रांसवर्सल है तो जो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होने वाले हैं दे आर ऑफ इक्वल मेजर्स। क्या सही है क्या? यस सर। सो देखो हम क्या करने वाले हैं, गिवन क्या दिया है हमें, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एन इज ट्रांसवर्सल। टू प्रूव, क्या प्रूव करने वाले हो आप? एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई प्रूव। आपने पहले एक काम कर दिया, let the angle in linear pair with y कौन सा लिया, which is also part of interior angle pair with x b z, इसको z नाम दे दिया। ये दिया हुआ नहीं है हाँ, ये नाम तुम ही ठेवला है, ये आपने इसको नाम दे दिया z, इसलिए लिखा। देखो let the angle in linear pair with y, angle in linear pair with y, so y के साथ linear pair वाला ये भी हो सकता है, पर हमने ये वाला लिया इसलिए कहा विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटीरियर एंगल्स पेयर विथ एक्स, जो एक्स के साथ इंटीरियर एंगल की पेयर भी बनाता है उसको नाम दिया है जेड। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप आराम से अभी लिख लोगे, क्या लिखोगे? एंगल वाई जेड प्लस एंगल वाई,
एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री क्यू लीनियर पेयर एंगल्स इन लीनियर पेयर. दूसरा क्या लिखोगे? एंगल एक्स प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री क्यू इंटीरियर इंटीरियर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स. यहाँ पर लिखना पड़ता है हाँ पूरा पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स. या एंगल्स इन लीनियर पेयर ऐसा लिखोगे आप. एंगल्स इन लीनियर पेयर और यहां पर क्या लिखोगे? इंटीरियर एंगल थ्योरम. इसका मतलब आरएचएस सेम है yes. तो एलएचएस भी सेम होनी चाहिए. एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल जेड. जेड जेड कट हो गया एंगल वाई इक्वल टू एंगल एक्स. यही आपको प्रूव करना था. क्या सही है क्या? Yes, सो okay. इस प्रकार से अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम भी आप प्रूव कर सकते हो. क्या आगे जाए क्या? पक्का? सर टू मेनी लिख लो लिख लो. सर ते इंटीरियर एंगल च्या नंतर काय आहे? थ्योरम लिखा होगा. ओके सर झालं. ओके अगर आपका ये हो गया है तो देखो ये कुछ तो अपने काम की चीज है. इसमें से एक क्वेश्चन मैं बढ़िया से लिख के दूंगा, बाकी हम अभी सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं. जिसका आंसर्स आप लिखोगे जिसके आंसर्स आप लिखोगे ठीक है. देखो मैं कौन सा क्वेश्चन आपको लिख कर दू? सेकंड थर्ड वाला. सर फोर्थ भी लिख कर दे सकता हूँ. थर्ड भी लिख कर दे. थर्ड वाला झाला सर. थर्ड झाला. थर्ड झाला है. ओके फोर्थ वाला. थर्ड झाला फोर्थ झाला. सर फोर्थ झाला. फोर्थ कर लेते नो प्रॉब्लम. सर देखो फोर्थ में क्या कहा है? माझा झाला फोर्थ. इन फिगर्स इन फिगर 2.8 ये बाजू वाली फिगर साइड्स ऑफ एंगल PQR एंगल एंड एंगल XYZ आर पैरेलल टू ईच अदर. XY is parallel to PQ and YZ is parallel to QR. आपको प्रूव करना है PQR and XYZ ये इक्वल है. कर पाओगे क्या? यस सर. ओके किसको नहीं आया करते? सर मला नहीं जमलो. ओके देखो इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है ना ठीक है. और ये दोनों तो आपको पैरेलल दी है या ये दोनों पैरेलल दी है ठीक है. सो अब क्या करना पड़ेगा? लाइंस को एक्सटेंड करना पड़ेगा. लाइंस को एक्सटेंड करेंगे. बहुत बढ़िया. तो देखो हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं.
ठीक है. एक्चुअली दोनों को एक्सटेंड नहीं किया तो भी चलेगा, सिर्फ एक को एक्सटेंड करके ही आपका काम हो जाएगा. हाँ सर. ठीक है, देखो हम लिखना शुरू करते हैं. देखो डायग्राम तो आप निकाल लोगे, डायग्राम निकालनी पड़ेगी. हाँ, डायग्राम निकालने के बाद गिवन लिखना पड़ेगा. क्या है गिवन? आप लिखोगे पी क्यू इज पैरेलल विथ एक्स वाई एंड क्यू आर इज पैरेलल विथ Y-Z. ठीक है. ओके सर, बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शन कर ली हमने. क्या कंस्ट्रक्शन किया है सर? Y से हॉरिजॉन्टल नहीं ले सकते? कोई भी एक लाइन एक्सटेंड करो, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्सटेंड आपको वो वाली एक्सटेंड करनी है, उसको एक्सटेंड कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम. वैसे भी मुझे दूसरे कलर से उसे एक्सटेंड करना था, कंस्ट्रक्शन आपको ठीक से ध्यान में आए इसलिए. एक्सटेंड लाइन वाई जेड इन अपोजिट डायरेक्शन टू कट पी क्यू इन S, PQ को S में कट किया है. सो अब देखो, नाउ XY इज पैरेलल टू PQ एंड हेंस XY is parallel to PS. PS. ठीक है. Q इसके दो रीजन लिख सकते हो, एक तो गिवन भी है एंड दूसरा S is between P and Q. PQ अगर पैरेलल है तो PS पैरेलल रहने ही वाली है. ओके, अगर ऐसा हो गया तो आप क्या कहोगे? Therefore for xy parallel to pq and transversal, pq ki jagah ps likhunga main, and transversal zs angle xyz is equal to angle psz q pair of corresponding angles. कौन से parallel है? तो देखो ये दोनों parallel कहे हमने. XY is parallel with PS और ये transversal है. ठीक है, बहुत बढ़िया सर, आ गया ध्यान में. So ये दोनों congruent हो गए. अब हम क्या कहेंगे? So this is from one. Now, YZ is parallel with QR and hence SZ is parallel to QR क्योंकि ये given है and SYZ ऐसा है. ठीक है, अब हम कहेंगे फॉर वाई जेड पैरेलल टू क्यू आर एंड ट्रांसवर्सल पी एस आई कैन राइट एंगल पी क्यू आर
is equal to angle PSZ. Pair of corresponding angles. क्या सही है क्या? Yes sir. इसको कंसिडर किया तो देखो इनको कंसिडर किया है. YZ is parallel to QR और ये वाली ट्रांसवर्सल है. So obviously ये दोनों एंगल corresponding angles हो जाएंगे. So अब देखो from 1 and 2 क्या लिख सकते हो? आप लिखोगे फ्रॉम वन एंड टू आर एच एस सेम है तो एल एच एस सेम होनी चाहिए. एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड. मेजर इक्वल है तो आप उनको आराम से कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो. क्या यही प्रूव करना था? यस सर. गिवन लिखना जरूरी है, कंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी है, हर स्टेटमेंट के लिए रीजन लिखना जरूरी है, ठीक है, और डायग्राम भी जरूरी है. इतना अगर किया होगा तो पूरे मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो मार्क्स कट करने के लिए बहुत गुंजाइश रहती है. जिनको नहीं आया था समझ में आ गया? यस सर. पक्का? यस सर. अब PHG को आप वर्टिकली अपोजिट एंगल कह रहे हो तो एंगल का नाम लिखना पड़ेगा, या फिर यू कैन से दिस इज पेयर ऑफ सर लीनियर पेयर. ठीक है. HGS 85 corresponding angles and NGK 85 वर्टिकली अपोजिट भी कह सकते हो, एक्सटीरियर अल्टरनेट कह सकते हो. ठीक है, दोनों भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, सो एचजीएस का मेजर है 85 और एमजीके का भी है 85. क्या सभी के चारों आंसर सेम सही आए हैं? Yes, sir. रीजन लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं. ध्यान में रखो. हाँ. Yes, sir. चलो क्वेश्चन टू. लाइन पी एंड लाइन क्यू कहाँ गई? ये वाली पी है और ये वाली क्यू है, एक दूसरे को पैरेलल है. लाइन एल एंड लाइन एम ये ट्रांसवर्सल है. अब सभी लोग आंसर नहीं देंगे, जिनका नाम मैं पूछूंगा वही लोग आंसर देने वाले. ठीक है, तो मेजर ऑफ सम एंगल्स आर शोन. ओके, कुछ लोग कुछ का दिया है, ए बी सी डी का मेजर निकालना है. चलो कृष्णा बताओ बर मेजर एंगल ए कितना आएगा? सर मला हा वाला क्वेश्चन नहीं आला. मग अशी तर चौथा नव्हता आला तुला सर. बाकी केले. चलो चलो आदिती बता दो मेजर अँगल कितना आहे. 70 सर. मी सांगू 70 लिनियर पेअर. मैंने तो आदिती को पूछा था. सॉरी सर. एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, रीजन लिखोगे? लिनियर पेयर. ठीक है, चलो बढ़िया. अब मुझे ये बी के बारे में बता दो. 110 आएगा सर. 70 ए और बी. एक्सटीरियर बी का आना चाहिए. एक्सटीरियर अल्टरनेट 70 डिग्री. एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल. यस सर. ऑफ एंगल ए सर. एंगल सी च म्हणजे 105 डिग्री. करस्पॉन्डिंग एंगल्स आहे. करस्पॉन्डिंग 105 या
110 है कारण की लाइन्स पैरेलल नहीं है. कौन सी लाइन पैरेलल नहीं है सर? एल एन ई एम पैरेलल नहीं है ना. तो एल एंड एम के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे. पी एंड क्यू तो पैरेलल है. ओ सर हाँ सर. लाइन पी क्यू पैरेलल और लाइन एम इज ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल है ना बेटा. अब देखो ये ऐसा हुआ है. गुड सर. सर एंगल डी आहे 65 डिग्री है. एंगल डी 65 लीनियर पेयर 180 एंगल इन लीनियर पेयर. हां देखो पी और क्यू पैरेलल है और एम ये ट्रांसवर्सल है. ठीक है तो अब ऐसे केस में आप कह सकते हो सी एंड 115 डिग्री का जो एंगल है ये करस्पोंडिंग एंगल है. हाँ एंगल सी और एंगल ए या एंगल सी इज इक्वल टू 110 ऐसा आप लिख पाओगे क्या? एंगल सी इक्वल टू 110 अल्टरनेट एंगल्स? यस. नहीं लिख पाओगे बिकॉज एम एंड एल आर नॉट पैरेलल. पैरेलल इसलिए फिर ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स ये इक्वल नहीं रहेंगे. ये ध्यान में देना पड़ेगा. इस केस में ये दोनों लाइंस ग्रीन वाली ये एक दूसरे को पैरेलल नहीं है और इसको ट्रांसवर्सल कह के आप इसको पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ऐसा नहीं कह सकते हो. दैट्स व्हाई सी इज नॉट इक्वल टू 110. आया क्या ध्यान में? यस सर. एल एंड एम पैरेलल नहीं है पर पी और क्यू पैरेलल है. ठीक है इसलिए सी 115 सही है. अब सिमिलरली डी और बी ये इक्वल नहीं रहेंगे क्योंकि एल एंड एम पैरेलल अलग है. नहीं पैरेलल नहीं है ये. पैरेलल ठीक है. ट्रांसवर्सल तो क्यों रहेगी पर एल एंड एम आर नॉट पैरेलल तो इनको कर 65 डिग्री. ये 65 आएगा. आ गया क्या समझ में? ये सवाल सिर्फ इसीलिए है कि आपने जो लाइंस पैरेलल नहीं है उनको पैरेलल समझकर गलत करना चाहिए इसके लिए. ओके मुझे ये बता दो क्या ए और डी ये इक्वल रहेंगे क्या? नो सर क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं है. लाइंस पैरेलल नहीं है. ओके क्या ए और सी की सम 180 रहेगी क्या? हाँ सर. ए और सी इंटीरियर एंगल्स है पर ऐसे लाइंस के लिए इंटीरियर एंगल्स है कि जहां पर लाइंस पैरेलल नहीं है. ठीक है यस सर. ओके अब ए और सी की सम 180 से कम आएगी या ज्यादा आएगी? ज्यादा आएंगे सर. और ये सर यहाँ से देखकर ही तो हम बता रहे हैं ये 185 आ रही है ए और सी की सम. यहाँ से देखकर बताया या फिर सर वहां पे नहीं देखा डायग्राम को देखा? डायग्राम पे देखा. आप एक्चुअली आपने कहना चाहिए सर देखो लाइन एल एंड एम इस साइड में जाकर इंटरसेक्ट कर रही है. सो यूक्लाइड का पोस्टुलेट अगर याद करते हैं तो इन साइड की सम लेस देन 180 रहेगी
इस साइड की सम अगर लेस देन 180 है तो ए और सी की सम 180 से ज्यादा रहेगी। कल का प्रूफ याद करो, कल के प्रूफ में यही लिखा था ना? यस सर। यस सर। सर हाँ बोला सर। ते एंगल सी इज इक्वल टू 115 डिग्री दैट्स अ रीजन आपण हे पण तर लिहू शकतो एंगल इन लिनियर पेयर विथ किसके साथ लिनियर पेयर कर रहा है सी सर किसी के साथ में आपको पहले फिर ये निकालना पड़ेगा 65 हाँ ये 65 निकाल कर फिर आप इसे 115 टू कर सकते हैं। देखो यार चलो देखो इन फिगर 2.7 एल एंड एम आर पैरेलल एन एंड पी आर पैरेलल। ओके चलो सर आसान है ये तो। ये दोनों पैरेलल है और ये 135 मैंने आंसर पूछा क्या आप लोगों को? नहीं सर याला आगाऊ पड़ा म्हणता था। चलो जिसका नाम लूंगा उसको उसने ही बताना। फाइंड ए बी सी फ्रॉम द गिवन मेजर्स ऑफ एन एंगल। चलो ऋग्वेद और साई है क्या? साई भी है। चलो यस सर। हाँ मेजर एंगल ए बता दो बेटा। कैसे बता पाओगे? सो देखो ओके आदिति बताएगी और कौन बताएगा? शलाका बता सकती हो क्या? सर मैं सांगू नहीं अदिति बताएगी बतो बताओ अदिति। सर मी ए च्या बाजूला डी ला घेतलं करस्पॉन्डिंग एंगल डी ले लिया। हाँ तो पहले लिखना पड़ेगा लेट एंगल डी इज एंगल इन लिनियर पेयर विथ linear pair with angle A as shown in figure। ठीक है चलो बढ़िया। D is equal to 45 degree corresponding angle। बहुत बढ़िया। Angle D equal to 45 degree corresponding angle। हाँ फिर A is equal to 135 linear pair angle। Angle A equal to 135 angles in linear pair। With angle of 45 degree। एंगल बी इक्वल टू बी 45 डिग्री या 135 डिग्री वर्टिकल 135 हाँ क्यों कहा? वर्टिकली अपोजिट एंगल किसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है? ऑफ एंगल 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 ओ 135 चाहिए ना 45 क्यों लिखा फिर ये? हाँ और एंगल सी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट भी कह सकते हो या करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ बी भी कह सकते हो कुछ भी पर रीजन लिखो। अल्टरनेट एंगल With angle A, क्या आगे क्या आंसर? Yes, yes sir। Okay, बड़ा आसान था सर ये तो।
चलो लेट्स मूव अहेड. लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ये ए बी सी डी के साथ पैरेलल है. सर एक मिनट वो दिखाना वाला सम पहले वाला. ठीक है. हाँ सर. अब देखो क्या कहा है. ए बी इज पैरेलल टू सी डी. पी क्यू ये ट्रांसवर्सल है. ओके सर मान लिया. ठीक है. अभी आपको बी आर टी ये 105 दिया है. ए आर टी बता दो. एक सेकंड ना मैं जिसका नाम लूंगा वही बताएगा. 75. मैं जिसका नाम बताऊंगा वही बताने वाला है. चलो ये बताने वाला है इसका आंसर. शिवम बताओ. श्रमी सांगू. शिवम ओंकार इसके बाद का बताना. सर का है. शिवम ए आर टी का मेजर बता दो. ए आर टी ये वाला. सर 75. ओके कैसे निकाला बेटा. सर 180 माइनस 105. हाँ तो आपको हो गए ए आर टी प्लस बी आर टी. ऐसा लिखना पड़ेगा. हाँ आर इन दी लीनियर पेयर और बी आर टी इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर. सो एंगल ए आर टी प्लस 105 इक्वल टू 180 डिग्री. और 105 चलो. ओंकार सी टी क्यू बता दो. ओंकार सी टी क्यू ये सी टी क्यू ये वाला. ओंकार को बताया है. फटाक से बता दो ओंकार. फिर माही बताएगी. प्लीज सर प्लीज मतलब मरला सर सर प्लीज. मैं आपको बात दूसरा क्वेश्चन दूंगा ना. कहाँ चला गया ओंकार. ओके वेदांत. सर प्लीज मी सांगू. सर प्लीज मी सांगू. नहीं आप दोनों तीनों ए वाले कोई भी नहीं बताने वाले. ए वालों का चांस चला गया है. सर यू सर मी सर विराज. हाँ विराज बता. विराज सर डबल डबल बताओ जल्दी. विराज सी टी क्यू. सर 75 डिग्री. क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल. बहुत बढ़िया. चलो सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर आस्था सर आस्था. श्रावस्ती डी टी क्यू का मेजर बता दो. सर 105. कैसे. सर करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल विद बी आर टी. बहुत बढ़िया. और सर 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 प्लीज आस्था. परिणीता बता सकती है क्या. परिणीता आखिरी बचा हुआ पी आर बी. परिणीता सर प्लीज सांगू. सर प्लीज परिणीता बता दो. सर मी सांगू प्लीज. सर प्लीज सर 75 डिग्री कारण की वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आहे. आपका चांस चला गया था. ठीक है सर मला वाटलं की तुम्ही मला म्हटलं म्हणून पूर्ण ऐकायचं नाही. आप कुछ भी. हाँ देखो 75 बहुत अलग अलग प्रकार से आप इनको बता सकते हो. आप सेम क्वेश्चन लिनियर पेयर से भी कर सकते हो.
वर्टिकली अपोजिट से भी कर सकते हो, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल से भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत प्रकार से सेम क्वेश्चन कर सकते हो। चलो सो ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे सब? यस सर। यस सर। ओके चलो सो अब आगे का पार्ट देख लेते हैं फटाक से, एक प्रॉपर्टी देखेंगे फिर आगे जाते हैं। सो क्या प्रूव करना है अभी हमें? ये जो हमने तीन प्रॉपर्टीज देखी है ना, इंटीरियर एंगल की सम 180 है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, हम इसे यूज करने वाले हैं टू प्रूव दैट क्या थ्योरम है हमारा, द सम ऑफ मेजर ऑफ measures of all angles of a triangle is 180 degree, ठीक है। क्या है theorem हमारा? The sum of measures of all angles of a triangle is 180 degree। हमारे triangle के ये तीनों एंगल की सम ये 180 आती है। प्रूव कर पाएंगे क्या? प्रूव करना ही पड़ेगा। यस। तो देखो गिवन क्या रहेगा, कोई भी एक ट्रायंगल दिया से दिया रहेगा, ट्रायंगल एबीसी इज एनी ट्रायंगल, प्रूव क्या करना है, तीनों एंगल की सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो आप इसे पूरा लिखो, ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो अब ना यहाँ पर हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, कोई भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड को पैरेलल लाइन निकालनी है, सर इसको शायद से टेंजेंट बोलते हैं ना? नहीं, टेंजेंट ये वो लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच होती है, दिस इज नॉट टेंजेंट, ठीक है। बट ये ध्यान में रखो, दिस लाइन शुड बी पैरेलल टू थर्ड साइड। सो कंस्ट्रक्शन, थ्रू बी ड्रॉ पी क्यू such that P, B, Q, B is between P and Q and PQ is parallel to AB, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो अब बड़ा आसान हो गया, क्या ये दो एंगल्स इक्वल होंगे, क्या ये दो एंगल्स इक्वल होंगे? Yes. ठीक है, क्यों इक्वल हो जाएंगे? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। हाँ सो देखो प्रूफ लिखते हैं हम, लिखेंगे एंगल पी बी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी and angle QBC is equal to angle BCA, line PQ
is parallel to AC and AB and BC are transversals respectively. ठीक है, अब देखो क्या इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं. देयरफॉर एंगल PBA प्लस एंगल QBC इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल BCA. ठीक है, अब दोनों साइड में मैं ये वाला एंगल ऐड करता हूं ABC. सो देखो ये आ जाएगा एंगल PBA प्लस एंगल ABC प्लस एंगल QBC इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल ABC. सर एंगल ABC क्यों? हाँ क्यों, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है. ये दो ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स के ये दो एंगल्स ऑलरेडी आए हैं, मुझे तीसरा एंगल चाहिए. दूसरा रीजन ये है, इसको मैंने अगर कंसीडर किया तो ये तीनों मिलाकर एंगल्स ऑन अ लाइन आ जाते हैं. ठीक है, अब देखो PBA और ABC, PBA और ABC ये मिलाकर क्या PBC बनते हैं क्या? देखो ठीक से, PBA और ABC एक आर्म कॉमन है, तो आप इनको दोनों को मिलाकर लिख सकते हो एंगल PBC प्लस एंगल QBC इक्वल टू, इनको अभी रीअरेंज कर रहा हूं, एंगल ABC प्लस एंगल BCA ये ले लिया, अब इसको ले रहा हूं प्लस एंगल BAC. अब देखो इन दोनों को मैं फिर से जोड़ सकता हूं, ये लीनियर पेयर के एंगल है PBC एंड CBQ, क्या सही है क्या? सो इनकी सम 180 हो गई और ये 180 इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB, क्या सही है? क्या यही प्रूव करना था? यस सर. हो गया प्रूव, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी जादू नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, आराम से प्रूव करना था, हो गया. ठीक है, सर. हाँ बोलो. आपने इसके पहले जो लिखा था वो एक्सेल